हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से हम एक सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं जिसको हमने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। तो आप जैसा कि देख सकते हैं डिस्प्ले पे, इसके कई सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं और कई सारे इसके नाम दिए हुए। तो हमने इसको मंगाया है 277 रुपीज़ में। तो क्या ये इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, इसका वर्किंग कैसा है, इसका सेंसर कैसा है और ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फुल टेस्टिंग हम इसकी करेंगे नाइट के टाइम पे भी और डे के टाइम पे भी। चलिए शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग कर ली। बॉक्स के अंदर हमको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है और ये मेन हमारा प्रोडक्ट है और ये माउंटिंग के लिए दो स्क्रूज मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बॉक्स पे अगर हम देखें तो इसके टेक्निकल पैरामीटर्स यहाँ पर मेंशन है। 5.5 वोल्ट इसका वोल्टेज है, 1 वाट पावर कंजम्पशन है, बैटरी कैपेसिटी है 1800 mAh और एंगल ऑफ सेंसर और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अभी प्रोडक्ट को। देखिए इसको 100 LEDs है, यहाँ 15 है, इस साइड में 15, यहाँ 35, यहाँ 35 और ये इसका मोशन सेंसर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और ये है ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। और यहाँ पीछे है सोलर पैनल। सोलर पैनल पे जैसे ही हम हाथ रखेंगे तो लाइट्स ऑन होती है ऑटोमेटिकली, और जैसे ही मैंने हाथ हटाया जब सोलर पैनल पे धूप पड़ेगी तो ये चार्जिंग मोड में जाएगा, लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो। ये देखिए ऑन ऑफ। अब इसकी कंप्लीट टेस्टिंग नाइट में भी मैं आपको करके बताऊंगा कि सेंसर कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, ब्राइटनेस के कितने मोड्स है। दोस्तों अभी हम इसके जो है तो 3 मोड्स के बारे में देख लेंगे। ये देखिए ये ऑन स्टेट में है अभी, अभी ये थोड़ा सा डिम हो गया, ये थोड़ा सा और इंटेंसिटी चेंज हुई, अब ये 4th टाइम ऑफ हो गया, ठीक है। अब ये ऑन है तो इससे पीछे जाने के 15 सेकंड के बाद में ये ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, ऐसे कंपनी का क्लेम है। तो अब मैं इससे पीछे जाता हूँ और काउंट करता हूँ। चलिए स्टार्ट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
सेकंड के बाद में ऑफ होगा, लेकिन 250 रुपये के प्राइस रेंज में हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी। अब हम जैसे इसके क्लोज जाएंगे तो ये ऑन होगा, कंपनी ने कहा है कि 3 मीटर के डिस्टेंस पे ये ऑन होगा, तो अभी मैं 3 मीटर ही के डिस्टेंस पे हूँ लेकिन ये लाइट ऑन नहीं हुआ। चलिए हम थोड़ा सा नज़दीक जाते हैं, तो अभी मैं हूँ 2 मीटर दूर, अभी मैं 1 मीटर दूर हूँ, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, 1.25 मीटर के डिस्टेंस पर ये ऑन हो गया, तो ठीक ठाक है ये। अब तो चलिए अब इसकी रेंज भी देख लेते हैं कि ये कितना लाइट प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे एक हाइट पे रख के आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने इसको ऐसे रखा तो तकरीबन ये 2 मीटर बाय 2 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काम की थी और आपको हेल्प करेगी इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। और अगर आप दोस्तों एक सोलर वेंडर है तो हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कीजिए, बहुत सारे काम के वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगे। और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।